हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मधु। तो ट्रांसफ़र के बाद जो है अभी टाइम हो गया 6। अभी मैं नहाई हूँ, सारा सामान थोड़ा अभी तो पूरा पैक ये नहीं हुआ, थोड़ा बहुत अरेंज करके फिर अभी नहाई हूँ। खुशी थक गई है, खुशी थक के सो गई है। ये वाले इसमें खुशी सोई हुई है और हम जा रहे हैं। अभी सबको भूख लगा है, सारा दिन में एक बार थोड़ा थोड़ा ही खाया था सब, तो भूख लगा है। तो मैं जा रही हूँ कुछ अपने घर में मीठा बना लेती हूँ। तो मैं आ गई हूँ किचन में और मीठा बना लेती हूँ। फिर मीठा में हम देखते हैं क्या बनाते हैं, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। और बाल में से बहुत पानी आ रहा था तो मैंने तौलिया लपेट लिया और मेरा कहाँ पर क्या सामान है पता ही नहीं चल रहा है इस वजह से। और सबसे पहले मैं क्या की हूँ, नहा के थक तो परचूर गई हूँ, कुछ करने का मन नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। और फिर अभी जो है थोड़ा सा करके फिर रेस्ट करेंगे और पूजा कर ली हूँ, दिखाती हूँ। और आज है अक्षय तृतीया, बहुत अच्छा दिन था आज। और मैंने मंदिर में ऐसे ही बैठा के पूजा कर लिया हूँ और कुछ ज़्यादा नहीं की हूँ, नहा के पूजा दीप ज्योत जला दी हूँ, संध्या पूजा जो बोलते हैं वो, क्योंकि टाइम हो गया है संध्या का। इस वजह से इस घर में भी ऐसे ही सामान रखा हुआ है, बेड लगा दिए हैं, फिर बेडशीट नहीं बिछाए हैं। तो चलते हैं किचन में। अभी सिलेंडर लगा रहे हैं और जो है अभी हम लोग 12 घंटा हो गया, 6 बजे उठे थे और 6 बज गया है। और कल 1-2 बजे सोए थे, शायद 2-2.5 बजे ना जानो। तो मेहनत तो करना ही पड़ता है। तो मीठा बनाते हैं, तो मीठा बनाते हैं। नहीं रे बेटा, बहुत थक गया। बेटा फ्रिज बंद कर दो। तो जम से स्पिन है उधर। तभी कहाँ सामान तो हम अरेंज करके लाए हैं, बट कहाँ पर कौन सा सामान रखा गया पता नहीं चल रहा है, तो ये ढूंढने गए हैं। और बहुत अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि नया घर में फिर नए तरह से नई गृहिणी बन जाऊंगी मैं। और ये मेरा एक्सपीरियंस हो गया है इसका, क्योंकि बहुत टाइम से मेरा जब से शादी हुआ है तब से मैं बहुत ट्रांसफर कर चुकी हूँ। और मीठे में मैं क्या बनाती हूँ वो दिखाती हूँ आप लोग को। तो मीठे में बनना ओट्स, हेल्दी ओट्स, क्योंकि झटपट भी बन जाएगा और इजी भी है बनाना, और क्या बोलते हैं हेल्दी भी रहेगा। और बहुत टाइम नहीं है, बहुत थक गए हैं तो कुछ ज्यादा नहीं बनाते हैं। और जो है हम लोग डिनर करने के लिए हमारी एक भाभी है वहां पर जाएंगे, वो तो सुबह में भी भाभी बोली थी जो हमारे यहाँ मैं खाना बनाऊंगी, लेकिन मैंने बोला नहीं नहीं मैं खुद ही बना लूंगी, तो मैंने बना लिया था। और फिर बोला तो रात को तो मैं बनाऊंगी ही बनाऊंगी, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। तो मैंने सोचा था झगड़ा क्यों करने, तो रात में वहीं पर जाएंगे खाना खाने। अभी थोड़ा सा छोटा मोटा भूख लगा है तो ओट्स बना लें। तो चलते हैं लेके बेडरूम में। अच्छा है तो चलते हैं बेडरूम में। खुशी को दिखाती हूँ मैं।
अगर इस तरह से आप पैकिंग करके लाते हो तो आपका सामान बहुत सुरक्षित रहता है और कहीं पर भी कितना भी डिस्टेंस क्यों ना हो बहुत सामान अच्छा से आ जाता है। मैं इसी तरह से अपना पैकिंग करके लाती हूँ और मेरा सामान ये मतलब 5-6 बार मैं इसको शिफ्ट कर चुकी हूँ, जैसा था वैसा ही है, बहुत अच्छा से आ जाता है, एक भी सामान मेरा खराब नहीं होता है। अगर इस तरह के प्लास्टिक में जितना भी मेरा ये सामान था शोकेस का सब ऐसे ऐसे बाल्टीन में लाई थी, फिर मैं इस बाल्टीन को रख लूंगी संभाल के। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम हो रहा है 10:10, 20 मिनट हो रहा है, 10 मैंने देखा है घड़ी में। तो अभी बहुत सारा काम हो गया, देखो यहाँ पर कितना सारा काम। बाकी तो ये लेबर लोग आ ही नहीं रहे, इस वजह से ये बर्तन स्टैंड सब लग नहीं रहा, वो है 2 दिन बीच में कोई भी वीडियो नहीं बनाई, इतना टायर्ड और इतना सारा काम था उस वजह से। अभी मैं जा रही हूँ पर्दा का जो ये रॉड लगेगा बहुत सारा है, कुछ कुछ लेना है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग। और सुबह में पानी नहीं था, अभी मैं ब्रश की हूँ इसलिए मेरा फेस भी गीला है। और खुशी उधर नाच रही है, खुशी बहुत हेल्प की हम लोग को, नहीं खुशी बहुत सारा हेल्प की। और जो है नया घर में इस तरह से कुछ चल रहा है हम लोग का जिंदगी, खाना बन चुका है मेरा, होटल में आया हाँ। खुशी को लग रहा है होटल में आया, दार्जिलिंग वाला होटल नहीं, इतना सस्ता होटल सस्ता होटल में आया, सस्ता होटल में। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं फिर शॉपिंग करने। मालिक ये हो गए रॉड लेके रेडी है, इसको कटवाना है एक्स्ट्रा है, तो हम लोग किसी भी चीज को वेस्ट नहीं करते इसीलिए इसको कटवा के यूज में ले आएंगे। देख सकते कितना खाली हो गया ना दोनों, बालकोनी भी बहुत कार्टून से भरा हुआ था, अभी खाली ही हो गया है, अभी भी 1 वीक लग जाएगा एक महीना लग जाएगा देखना, हम सब सुसवाते रहेंगे। और ये वॉशिंग मशीन का पॉइंट नहीं बना है बिजली वाला, इसलिए देख सकते हो कितना सारा कपड़ा इसी सब से घर और जमा हुआ है, नहीं तो बस ये भी हो जाता। और बीच में मेरा तबीयत भी खराब हो गया, इतना सारा ये हो गया इस वजह से। हमारे घर का 2 मुख्य द्वार है, एक ये दोनों से हम लोग मुख्य प्रवेश कर सकते हैं और वेलकम कर सकते हैं। चलिए गाड़ी से या पैदल, पैदल ही चलते हैं तो आइए मांग देंगे ना हाँ। तो हम लोग चलते हैं, आपको भी ले चलते हैं। और जो है नया कूड़ा वाला को पता नहीं था जो हमारे घर में, हम लोग इसमें शिफ्ट कर गए तो इसलिए कूड़ा नहीं ले गया, अभी मैं बोल रही हूँ वो ले जाएगा। और जो है सड़क पर वीडियो बनाना मुझे लगता है सेफ्टी नहीं है, इसलिए मैं एक ही बार दुकान में वीडियो बनाऊंगी। और हम जब सॉल्ट लेक में पहली बार शिफ्ट किए थे तो कुछ भी पता नहीं था कहाँ पर क्या होता था, सब कुछ पूछ के 3 साल यहाँ पर रहते हुए सब कुछ बहुत कुछ पता चल गया है। तो हम लोग के लिए ये वाला शिफ्टिंग थोड़ा इजी लग रहा है, जिससे कि इजी लग रहा है, जब मतलब कुछ भी सामान यहाँ पर मिलता है वहाँ पर ले आते हैं वो इजी। आपको क्या लगा, स्वेटर धोने वाला इजी क्या क्या आपको तो हमेशा यही लगता है। शॉप है, पिछला बार भी हम लोग यहाँ से लिए थे, इस बार भी लेंगे। यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, थोड़ा बहुत सामान जो होता है थोड़ा बहुत में सब कुछ मिलता है यहाँ। तो फ्रेंड्स हमको आए हुए 1/2 घंटा हो गया था ना, हो गया है 1/2 घंटा। और क्योंकि मिस्त्री आया हुआ था तो बिजली वाला, तो मैं उससे बात करने लगी और क्या क्या सामान लाई हूँ ये यहाँ पर है, और जो कि ये मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और अभी जो है इस वीडियो को मैं एंड करूंगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा,
तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अभी मेरा काम है नहाना धोना, फिर वीडियो स्टार्ट करना, फिर एडिटिंग करना, बहुत बिजी हूँ, बहुत सारा काम है। शायद आप लोग करते होंगे या नहीं इतना काम, पता नहीं, मुझे बहुत सारा काम है, मैं बहुत बिजी रहती हूँ। बिजी रहना बहुत अच्छी बात है क्योंकि बिजी रहने से आपका लाइफ जो है बहुत स्मूथली चलता रहेगा, ऐसे कहीं रुकेगा नहीं। इसलिए लाइफ में, अपने लाइफ में बिजी रहो, ना कि दूसरों पे ध्यान दो। तब तक के लिए बाय बाय, ज्यादा ज्ञान नहीं देंगे, हमारा ज्ञान हमारे पास ही रहे तो अच्छा है। बाय बाय।